साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत तलब ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलदम करार दिया जाए। मजीद तफसीलात एहतशाम कयानी से जान लेते हैं। जी एहतशाम, हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार पेशी का आखिरी मौका दे रखा है और अदालत ने फैसला कर रखा है कि अगर 17 अगस्त को मियां नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। उसके खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें एहतसाब अदालत ने उनको बजरिया इश्तिहार तलब कर रखा है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया है कि नैब बिला जवाज नवाज शरीफ और उनके अहले खाना को टारगेट कर रहा है और नैब अपोजिशन को टारगेट करके उनकी आवाज दबाना चाहता है। ये भी मौकफ अपनाया गया है कि मियां नवाज शरीफ कोई मकरूर नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बैरून मुल्क के इलाज किए गए हैं। उनकी तबीयत नापाक है और वो उनका इलाज जारी है, इसलिए वो अपने नुमाइंदे के जरिए एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस के ट्रायल ये पेश होना चाहते हैं और उनका नुमाइंदा ही इस केस को मैं उनकी जानिब से पेश हुआ करेगा। अदालत ने अदालत से ये इस्तदा की गई है कि मियां नवाज शरीफ को उनके नुमाइंदे के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए क्योंकि वो बैरून मुल्क। एहतशाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आर्मी